एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा स्वच्छता के साथ सुरक्षा को लेकर कड़ा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूल संचालन व्यवस्थित करने के बजाय संचालक केवल अपने कमीशन व घपला करने में माहिर रहते हैं। आपको बताते हैं, एक अनूपपुर जिले के जैथरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खमहरिया की, जहाँ एक निजी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में व्यवस्थाएँ चरमराई हुई हैं, जहाँ ना तो छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही स्कूल में शौचालय है। ये देखकर शायद कहा जा सकता है कि स्कूल शिक्षा मंदिर की जगह अब व्यापार केंद्र बन गया है। अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह ने इस खबर की रिपोर्ट में जरा देखिए, छात्र स्कूल संचालक राघवेंद्र शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी तुलाराम मार्को का क्या कुछ कह रहा है। कितना फीस लेते हैं आपसे? 300 मंथली। 300 मंथली। और खेलने की क्या व्यवस्था है यहाँ? खेलने की व्यवस्था तो नहीं है। नहीं है। बाथरूम कहाँ जाते हो? बाथरूम अंदर बना है, उसमें नहीं जाते। तो कहाँ जाते हैं? बाहर। बोर्ड लग रहा है, सब कब लगेगा? कितने सालों से संचालित हो रहा है आपका विद्यालय? नई बिल्डिंग बनी है, अभी जल्द से जल्द सब व्यवस्था हो जाएगी। ये ग्रामीण विद्यालय है, आप ग्रामीण के हिसाब से पूरा फुल व्यवस्था है, सब व्यवस्था। एक भी शौचालय पे गेट नहीं है आपके? पूरे काई जमी हुई है फर्श पे, कोई बच्चा गिर के मर जाए, दांत मुंह टूट जाए। अभी बरसात का टाइम है, सब व्यवस्था बन रही है। बाकी मतलब ठंडी में कहाँ जाएंगे, झाड़ियों में? नहीं नहीं, वो ठंडी में सब व्यवस्था बन जाए। जो संज्ञान में लाया गया है और जो नवीनीकरण होता है वो DRCC जब ऑनलाइन करते हैं तो उसके द्वारा जो अनुशंसा कर भेजी जाती है उसके आधार पे यहाँ से जो है उसकी कार्रवाई की जाती है। तो उसको नोटिफिकेशन किया गया है आपके मैंने हमारे संज्ञान में आने के बाद, और यदि वो कार्य पूर्ण नहीं करते हैं उसमें तो उसके अगले जो है मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।